कोई और भी कविता या कुछ मेरी एक जो, सामाजिक कविता है, हाँ काफ़ी पहले मैंने लिखी थी। अच्छा उसका शीर्षक है मेरे दोस्त। उसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम लोग अपने जीवन में, अपनी सुख सुविधाओं में, अपने जीविकोपार्जन में हम लोग इतने व्यस्त हैं कि हम लोग देखते हैं बहुत से लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, डाउनट्रोडन हैं, जो लोग बहुत जीवन का जो बेसिक लेवल है उससे भी नीचे रहते हैं। हम लोग उनके लिए कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं। तो उस पर एक कविता आधारित है, अच्छा मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, तुम्हारे आंखों की कोरों में चमकते आंसुओं को मैं देख सकता हूँ। मेरे दोस्त, तुम्हारी आंखों की कोरों में चमकते आंसुओं को मैं देख सकता हूँ लेकिन उन्हें पोंछने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इत्र से महकता मेरा कीमती रुमाल तुम्हारे मैले कुचैले आंसुओं को पोंछने के लिए तो नहीं है। तुम्हें याद होगा, तुम्हारे यौवन की दोपहरी मेरे घर की दहलीज पर आकर रुक गई थी। अपने तर्कस के सभी विषैले बाणों से मैंने तुम्हारे संयम की परीक्षा ली थी। घोल दिया था तुम्हारे शरीर में सभ्यता और संस्कृति का जहर। मेरे दोस्त, तुम्हारे आंखों की कोरों में चमकते आंसुओं को मैं देख सकता हूँ। मेरे दोस्त, तुम यीशु नहीं हो। मेरे दोस्त, तुम यीशु नहीं हो लेकिन मैं जानता हूँ कि सलीब पर लगे रक्तिम छींटे तुम्हारे रक्त के हैं। मेरे दोस्त, तुम यीशु नहीं हो लेकिन मैं जानता हूँ कि सलीब पर लगे रक्तिम छींटे तुम्हारे रक्त के हैं। तुम्हारे वक्ष स्थल के कैनवास पर आज भी चित्रित हैं मेरी अमानुषिकताओं के प्रमाण। तुम्हारे वक्ष स्थल के कैनवास पर आज भी चित्रित हैं मेरी अमानुषिकताओं के प्रमाण। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंतर का ज्वालामुखी कभी भी धधक सकता है। तुम्हारे आंसुओं का गर्म लावा मुझे आत्मसात कर सकता है। पूंजीवाद के कितने ही दुर्ग एक के बाद एक ढहते देख चुका हूँ। मुझे तुमसे सहानुभूति है, मुझे तुमसे सहानुभूति है, केवल सहानुभूति। सहायता की अपेक्षा मुझसे करना तुम्हारी मूर्खता है। तुम्हारी दीनता के कटोरे में दो मुट्ठी आटा तो मैं डाल सकता हूँ। तुम्हारी दीनता के कटोरे में दो मुट्ठी आटा तो मैं डाल सकता हूँ ताकि उसे खाकर तुम मेरी दया का गुणगान करते रहो। मेरे दोस्त, सुना है भूख से इंसान मर सकता है लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मेरे दोस्त, सुना है भूख से इंसान मर सकता है लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे शरीर के धरातल पर ही टिकी है मेरे ऊंचे भवन की आधारशिला। क्योंकि तुम्हारे शरीर के धरातल पर ही टिकी है मेरे ऊंचे महल की आधारशिला। तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों में समाज के क्रूर हाथों ने दीनता की जो करुण गाथा लिख दी है उसे मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन पढ़ना नहीं चाहता। तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों में समाज के क्रूर हाथों ने दीनता की जो करुण गाथा लिख दी है उसे मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि मुझे डर है उसे पढ़ने के बाद मैं नक्सलवाद के बीहड़ घने जंगलों में खो जाऊँगा। क्योंकि मुझे डर है उसे पढ़ने के बाद मैं नक्सलवाद के बीहड़ घने जंगलों में खो जाऊंगा। मेरे दोस्त, तुम्हारे आंखों की कोरों में चमकते आंसुओं को मैं देख सकता हूँ पर उन्हें पोंछने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। बहुत ही अच्छा। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसके मतलब कुछ क्या आपका विचार, किस सोच में आपने ये लिखा, तो ये हम भी ये मेरा समझना जो चाहते कविता हैं। है, मैं हम लोग सुनते हैं नक्सलाइट्स के बारे में, नक्सलवाद के बारे में सुनते हैं और उनके बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें भी हम लोग सुनते हैं। मैं कभी किसी नक्सलाइट से मिला नहीं लेकिन मुझे लगता है कि जो नक्सलिज्म का नक्सलवाद का जन्म होता है ये कहीं बहुत उस स्तर पर होता है जहाँ पर बेसिक जो सुविधाएं उन लोगों को नहीं नहीं मिल पा मिलती रही हैं। हैं, जहाँ पर उनका उनका लोगों का शोषण किया जा रहा है। तो वो लोग जब बहुत मजबूर हो जाते हैं, जब उनकी असमत के साथ खेला जाता है, जब उनको रोजी रोटी नहीं मिलती, जब उनके साथ उनका शोषण किया जाता है तो हथियार उठा लेते हैं, तो वो नक्सलवाद के भेड़ घने जंगलों में खो जाते हैं। तो यही मेरी कविता का है कि अगर ये सब जब जो हाँ जरूरतें हैं पूरी हों पूरी तो हों तो कोई भी ये इंसान ये नक्सलाइट ना नहीं हो हो, सकता। नक्सलवाद ना हो। ये कविता ये अच्छा एक मैसेज है, बहुत ही अच्छा आपने लिखा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी आपकी कविताएं। हम भी इंजॉय कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी इंजॉय कर रहे हैं।